हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम लोग आ गए हैं आज गांधी मंडप। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है और ये हमारे फादर ऑफ नेशन जिन्हें महात्मा गांधी कहते हैं, जी हाँ, उन्हीं की याद में इस जगह गठन हुआ था। और यहाँ से गुवाहाटी का बहुत ही सुंदर व्यू नज़र आता है दोस्तों, पूरा गुवाहाटी यहाँ से नज़र आता है। मैं कुछ देर में उस नज़ारों को आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और देख सकते हैं दोस्तों, ये है मेरे पीछे एक स्टैचू महात्मा गांधी का, जी हाँ दोस्तों। और इधर काफ़ी सुंदर गार्डन है और देख सकते हैं ये बिल्डिंग भी कितने सुंदर है दोस्तों। तो ये सब पहाड़ के ऊपर में ही है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर व्यू है ये। और ये सब आपको सिर्फ सरानिया हिल के ऊपर ही मिलेगा। और ये गांधी मंडप बहुत ही सुंदर है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं उधर धूप आ रहा है, इसी चलते आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। और ये है महात्मा गांधी का स्टैचू दोस्तों, बहुत ही अट्रैक्टिव स्टैचू है दोस्तों ये। और पूरा ये जगह ही अट्रैक्टिव है दोस्तों। आप यहाँ पे आपको 3 किलोमीटर ऊपर आना पड़ेगा पहाड़ का, तब आप इस नज़ारा का मज़ा ले सकते हैं दोस्तों। और काफ़ी थक गया मैं दोस्तों, क्योंकि मैं पैदल ही आया था ऊपर में, जैसा कि आप देख सकते हैं। गाइस, आपने देखा यहाँ पे कितना सुंदर स्टैचू था महात्मा गांधी का और कितना ऊंचा फ्लैग है दोस्तों। हर 15 अगस्त एंड 26 जनवरी को यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होती है दोस्तों। मतलब कि ये बहुत ही सुंदर दोस्तों, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और अभी मैं दिखाऊंगा आपको गुवाहाटी का एक सुंदर व्यू दोस्तों, पूरा गुवाहाटी यहाँ से नज़र आता है दोस्तों, कमाल का व्यू वो भी आपको दिखाना बाकी है दोस्तों। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, ये है गुवाहाटी का व्यू, जैसा कि आप देख सकते हैं। भाई साहब, यहाँ से पूरा गुवाहाटी नज़र आ रहा है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। और वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी भी आपको दिख रहा होगा दोस्तों थोड़ी दूर में। ये पूरा नज़ारा है दोस्तों गुवाहाटी का, जैसा कि आप देख रहे हैं। ओ भाई साहब, बहुत ही सुंदर दोस्तों, बहुत ही शानदार व्यू है ये। तो गाइस, आपने देखा मैं कितनी ऊपर में हूँ दोस्तों, यहाँ से पूरा गुवाहाटी एकदम क्लियर नज़र आ रहा है दोस्तों। मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी से लेके यहाँ पे जो जो मेन चीज़ है दोस्तों, सब कुछ काफ़ी न्यू बिल्डिंग्स, तो इतना नज़र आ रहा है दोस्तों, इतना सुंदर नज़ारा है। आप अगर गुवाहाटी विजिट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ गांधी मंडप बिल्कुल आना ना भूले, बहुत ही सुंदर प्लेस है दोस्तों, जो कि गांधी जी की याद में जगह बनाया गया था। यहाँ बोला जाता है गांधी जी यहाँ आ चुके हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ गांधी जी आए हुए थे, इसी चलते इस जगह का गठन हुआ था। तो दिखाता हूँ दोस्तों और भी कुछ रोचक एंड ब्यूटीफुल नज़ारा दोस्तों। देखा जगह आप देख सकते हैं मेरे पीछे गांधी जी का कितना सुंदर स्टैचू दोस्तों। और ये पूरा पार्क है दोस्तों, बहुत ही सुंदर पार्क है। आप यहाँ पे देख सकते हैं तमाम फैमिली लोग यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए। आप भी आए अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जी हाँ दोस्तों, यहाँ घूमें और इस जगह का आनंद लें। बहुत ही सुंदर दोस्तों, बहुत ही सुंदर जगह है ये। सो गाइस, आप देख सकते कितना ही ऊँचा फ्लैग है दोस्तों ये। ओ भाई साहब, काफ़ी ऊंचा है दोस्तों ये, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके बराबर में तो कुछ नहीं है दोस्तों, ये कितना ही ऊंचा है। और यहाँ पे कुछ फंक्शन भी होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे अगर फ्लैग होस्टिंग जिस दिन होता होगा उस दिन यहाँ पे स्पीच देते होंगे। यहाँ स्टेज भी बना हुआ है दोस्तों पूरा, और कितना ही साफ़ सुथरा जगह है, काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा है दोस्तों ये, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा ये जगह। यहाँ पर साफ़ सफाई का बहुत ही ख्याल रखा जाता है दोस्तों, जैसे पूरा नीट एंड क्लीन प्लेस है दोस्तों ये। और यहाँ पे गार्ड उड सब मौजूद है कि कोई इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो पाए यहाँ पे। और यहाँ पे तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों ये। सो गाइस, आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट ज़रूर करें दोस्तों इस जगह के बारे में। अगर यहाँ आप आ चुके हैं तो इस जगह के बारे में कमेंट करें, कैसा लगा आपको यहाँ पर विजिट करके। और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक कर दो दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जर्नी विद शुभम को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही ऐसा रोचक वीडियो लाते रहता हूं दोस्तों, इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूं आपके लिए। और मैं अभी और भी रहूँगा गुवाहाटी में, गुवाहाटी में और भी बहुत कुछ देखना बाकी है दोस्तों, क्योंकि असम जैसा टूरिस्ट स्पॉट शायद ही इंडिया में है दोस्तों। और मैं अभी नॉर्थ ईस्ट की तरफ है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में तरह तरह की जगह है, मैं सब जगह जाने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा दोस्तों ये नज़ारा। और अभी मैं असम में रहूँगा दोस्तों, काफ़ी दिन रहूँगा, तो आप लोग डोंट वरी दोस्तों, आप लोग पूरा नज़ारा देखने को मिलेगा। सो गाइस, गांधी मंडप के बिहाइंड साइड, आपके पीछे साइड में इस टाइप का आपको ब्रिज देखने को मिलेगा दोस्तों। और काफ़ी इधर हरा भरा है, देख सकते हैं आप कितना सुंदर और कितना अच्छा दोस्तों ये, और काफ़ी अच्छा दोस्तों
जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों इधर आके। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा है दोस्तों, पूरा ही हरा हरा भरा एकदम है। और इस ब्रिज के नीचे मैं जा रहा हूँ दोस्तों, देखते हैं आगे क्या मिलता है मुझे। सो गाइस, आपने देखा इस ब्रिज, कितना सुंदर ब्रिज बना हुआ है पीछे साइड में दोस्तों गांधी मंडप के, और काफ़ी सुंदर है दोस्तों। ये देख सकते हैं आसपास मेरी कितनी ज़्यादा ग्रीननेस है, हरियाली है दोस्तों पूरा ही पूरा ये। और यहाँ पे आपको एकदम शुद्ध एंड क्या बोलते हैं उसको, एकदम शुद्ध हवा मिलेगा दोस्तों यहाँ पे आपको, मतलब जो यहाँ विंड है, फ्लो ऑफ विंड है दोस्तों, एकदम शुद्ध है, एकदम प्योर है दोस्तों। आप यहाँ आके देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एकदम फ्रेशनेस आपको फील होगा दोस्तों। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ पौधा के में सब में नाम लिखा हुआ है दोस्तों, ट्रीज में सब में नाम लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं सब ट्री में कुछ ना कुछ साइंटिफिक नाम लिखा हुआ है, आसामिस में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है दोस्तों। मुझे तो आसामिस आती नहीं है, इंग्लिश में लिखा हुआ है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। और काफ़ी सुंदर है दोस्तों इस ब्रिज को, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग चिल कर रहे दोस्तों, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और काफ़ी सुंदर नज़ारा है दोस्तों। ये पूरा ही पूरा ग्रीन ग्रीन एकदम आपको नज़र आएगा, एकदम हरी भरी जगह है दोस्तों। और एक अभी धूप मेरा मुंह पे थोड़ा लग रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। और बहुत ही दिन बाद इस नेचर का इतना क्लोज आया हो दोस्तों मैं। सो गाइस, आपने देखा यहाँ पे कितना सुंदर नज़ारा है और कितना ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे लोग आते हैं और चिल करते हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो आप भी आएँ यहाँ पर एक बार और विज़िट करें इस जगह को, गांधी मंडप, बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा दोस्तों, शानदार व्यू नज़र आता है यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा हरियाली है आसपास। सो गाइस, आपने देखा ये कितना सुंदर व्यू है, यहाँ से भी कुछ व्यू नज़र आ रहे हैं गुवाहाटी का, जैसा कि देख सकते हैं। और काफ़ी सुंदर कुछ कुछ तो पेड़ पौधा से ढका हुआ दोस्तों, मैं यहाँ से आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। सो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर पसंद आया तो लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करें माय चैनल को। और ये बहुत ही सुंदर जगह था दोस्तों गांधी मंडप, अगर आप गुवाहाटी आते हैं तो बिल्कुल विजिट करना ना भूलें दोस्तों। और अगर मुझे आपने अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो जर्नी विश्वम नाम से मेरा आईडी है दोस्तों, आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि उसमें भी लेटेस्ट अपडेट मैं लाते रहता हूँ कि मेरा नेक्स्ट ब्लॉग किस टॉपिक पर आने वाला दोस्तों। और काफ़ी सुंदर जगह है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा था, ये था गांधी मंडप दोस्तों। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।